राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की महिला वर्ग की 29वीं राज्य स्तरीय 4 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आज हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की महिला वर्ग की 29वीं राज्य स्तरीय 4 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्री आशुतोष गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण कर खेल प्रतियोगिताओं का आगाज किया और प्रदेश के 11 जिलों से आई महिला खिलाड़ियों की टुकड़ियों से गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। अतिरिक्त उपायुक्त ने उपस्थित महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी को अनुशासन में रहकर खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, इसलिए अनुशासन में रहकर खेल का आनंद लेते हुए विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों के लिए ठहरने व खान पान की बेहतर व्यवस्था के लिए आयोजन समिति को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि इन खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अन्य जिलों से आई महिला खिलाड़ी अनुशासन में रहकर प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी और जी तोड़ मेहनत करते हुए विजयी होकर अपने जिले का नाम रोशन करेंगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य एवं आयोजन समिति के सचिव श्री शिवेंद्र डोगरा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए खेल प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। राज्य खेल परिषद से सदस्य सचिव श्री पी एन आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में 11 जिलों की 399 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिताएं 10 मई तक जारी रहेंगी और इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी तथा बुशु प्रतियोगिता के अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकल गीत, समूह गान, मानो एक्टिंग स्किट तथा फोक डांस की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिताएं 10 मई तक जारी रहेंगी और इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी तथा बुशु प्रतियोगिता के अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में एकल गीत, समूह गान, मोनो एक्टिंग स्किट तथा फोक डांस के लिए स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। आज जो है यहाँ पे जिला मंडी के इस ऐतिहासिक पटल ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय 29वां महिला वर्ग का खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आरंभ यहाँ पे हुआ है। इस इवेंट में हमारे प्रदेश के 11 जिलों के महिला आईटीएस के प्रतिभागी खिलाड़ी जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लाहौल स्पीति जिला किसी मौसम की वजह से जो है यहाँ पे वो नहीं पहुँच पाए, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा सारे 11 के 11 जिले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 दिन तक ये प्रतियोगिता यहाँ पे चलेगी और अब जैसे ही जो है ये हमारा इनॉग्रल समारोह यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स के इवेंट जो कि खो खो, कबड्डी, वुशु और इस तरह की कुछ प्रतियोगिताएँ हैं उनकी शुरुआत अपार्ट फ्रॉम इवनिंग्स में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरह संदेश है कि इस पूरे इवेंट में जो है एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करें और खेलों में जो है जीत हार एक खेल का हिस्सा है, वो उसमें ज़रूर किसी ना किसी टीम को जीतना है तो किसी ना किसी टीम को हारना भी पड़ेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये रहती है कि पूरी ईमानदारी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इस पूरे इवेंट को एंजॉय करें, यही खिलाड़ियों के लिए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला विंग मंडी श्री तरुण कुमार, प्रधानाचार्य आईटीआई शिमला श्री लाला राम, जिला सेवाएं एवं खेल अधिकारी मंडी श्री प्रदीप दीवान, राज्य खेल परिषद सदस्य श्री मदन लाल, एडीपीओ राजेंद्र गुलेरिया सहित कोच तथा औद्योगिक संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित थे।